मोहनगढ़ तहसील के गेहूं उपार्जन केंद्रों की अनियमितताओं की शिकायत टीकमगढ़ कलेक्टर श्रीमती हरसिंह सिंह को मिल रही थी, जिस पर आज उन्होंने गौर दरगाह मोहनगढ़ अर्चरा गेहूं उपार्जन केंद्र पर अपने अधीनस्थ अमले के साथ निरीक्षण किया, जिसमें मुख्य रूप से डिप्टी कलेक्टर जतारा, SDM मोहनगढ़, तहसीलदार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजस्व मोहनगढ़ पटवारी और पुलिस अमले के साथ निरीक्षण किया। मोहनगढ़ शांतिनाथ वेयर हाउस गेहूं उपार्जन केंद्र पर भारी मात्रा में अनियमितताएं पाई गई, जिसे देखकर टीकमगढ़ कलेक्टर श्रीमती हरसिंह सिंह को क्रोध आ गया। गेहूं खरीदी में संबंधित दस्तावेज जब समिति प्रबंधक के मांगे गए तो उपलब्ध नहीं करा सके। जो गेहूँ खरीदा जा रहा है वह घटिया किस्म का था और उनमें गांठें भी अधिक मात्रा में थी। कुछ गेहूँ ऐसा भी था जिसमें कागजों में कोई विवरण नहीं था। इसे प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं गेहूँ उपार्जन केंद्र पर दाल में काला है। सुना तो यह तक भी जा रहा है कि किसानों की आड़ में व्यापारियों का गेहूँ इस उपार्जन केंद्र में डाला जा रहा है, जिससे क्रोधित होकर टीकमगढ़ कलेक्टर ने समिति प्रबंधक और समिति प्रबंधक के सहयोगी स्टाफ के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। श्रीमती हर्षिका सिंह का कार्य सराहनीय है। मोहनगढ़ से कैमरामैन अनुराग सेन के साथ अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। इससे पहले जो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ किया है इन्होंने, वो GMCCD और इसके बाद में आप और जैसे चेक कीजिए जो इन्होंने वहाँ भेजा उसकी क्या स्थिति है। मुझे ये गंद नहीं चाहिए, गंदगी क्या कर रहे हो भैया आप। किसान साहब जो डंठल छानस भी अभी डंठल नहीं निकाल निकालती नहीं है, छान भी वही निकाल रहा और मशीन चला मशीन चलाती नहीं है, उसमें तो अच्छा समझा सब बात है। ऐसा है, आप समिति प्रबंधक है, आपकी जिम्मेदारी होती है। वह तो सर जिम्मेदारी अगर किसान मान रहे जब तय अधिकारी लोग भी कह तो नहीं मान रहे बेटा किसान, तो आप केंद्र बंद कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि मतलब बस आप ही के हिसाब से काम चलेगा। हम बिल्कुल नहीं अपने ये क्या है फिर? हम तो अधिकारी के हिसाब से चलाएगा। चलो हट गया। और यहाँ सर्वेयर कौन है? यही होंगे तो इन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई करूँ मैं। जब नहीं मान रहे तो तुम सर्वेयर तो क्यों पास कर रहे हो? पास ही नहीं कर रहे हैं, उठा के वो बड़ा खान भेज भी रहे। उस दिन भी तुम्हें मना कर गए थे वहाँ, जब दो ट्रॉली दे देते छनवा भेज दी। मैम 155 बेनाम बोरियाँ हमें पीछे प्राप्त हुई थी 3 दिन पहले, सुबह तक वो सील नहीं थी, शाम को जब आ रही है लोग चले गए तो फिर वो टैग वैग लग गया सील लगे। जो पीछे जाके चेक करके आओ, उसमें किसी में भी नाम लिखा है क्या गाड़ी में पीछे कहीं भी? कैसे आप क्या कर रहे हो? पटवारी बहुत पैसिव से रहते हैं, इनको भी रिस्पॉन्सिबल लेना चाहिए। ये ज़्यादा केंद्र पर रहते हैं किसी बार पहला मैं केंद्र देख रही हूँ जिसमें कि आपका टैग भी नहीं मतलब ढंग से है ना, क्वालिटी ठीक से मतलब किसी भी चीज़ की मुझे पूरा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।